आज मैं बेरोजगारी के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। किस प्रकार विश्व में बेरोजगारी बढ़ रही है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। पिछले 30 वर्षों में भूमंडलीकरण के कारण विश्व में बेरोजगारी बढ़ी। चीन को छोड़कर अन्य देशों की स्थिति अच्छी नहीं रही, जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है। अमेरिका में 6.1% बेरोजगारी है, इंग्लैंड में 5.1% बेरोजगारी है, जर्मनी और फ्रांस में 5.9% से 9% तक बेरोजगारी है, जैसा कि 2017 में भारतवर्ष में 15 से 29 वर्ष के युवा में देखा गया कि 30% बेरोजगार हैं। यूरोप के 50% व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस तरह से देखा जाए तो विश्व में इस तरह की स्थिति है। पिछले 20 वर्षों से चीन से वस्तुएं आयात की जा रही है, जिसके कारण और भी बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि नई प्रौद्योगिकी के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि इसमें श्रमिकों की छंटनी की जाती है। हालांकि एक ओर उत्पादन तो बढ़ता है तो दूसरी ओर श्रमिकों की छंटनी हो जाती है, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए कि किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर किया जाए। अर्थशास्त्रियों को, नीति बनाने वालों को इस पर विचार कर आगे की नीति बनानी होगी। हालांकि सरकार इस ओर कार्य कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो सरकार भी विफल है। अभी कोरोना काल है, जिसके कारण पिछले 1-1.5 वर्षों से विश्व की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले वर्ष लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके कारण बहुत ऐसी कंपनी थी जो श्रमिकों की छंटनी कर दी, बहुत ऐसी कंपनी बंद कर दिया गया। इस वर्ष 2021 भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में भी देखा जा रहा है कि बहुत समस्याएं हैं। कंपनी में भी लोगों को हटाया जा रहा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखना है कि कब तक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इस तरह से जब तक बेरोजगारी को दूर नहीं किया जाएगा, समाज की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार बढ़ जा रहे हैं, यह एक प्रमुख समस्या है। हमें इसके बारे में सोचना है और जिस देश से वस्तुएं आयात करते हैं उसे बंद करना होगा। सिर्फ जरूरी वस्तुओं को ही आयात करना होगा और हम अपने आप पर जब तक स्वावलंबन नहीं होंगे तब तक समस्या बरकरार रहेगी। धन्यवाद।